मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर्स सेशन में आज देखेंगे क्या कुछ देश दुनिया में खास है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न एक, वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी सातवा। सही जवाब है ऑप्शन ए पांचवा। अमेरिका बेस्ड थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। भारत की कुल जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पछाड़कर पांचवा स्थान हासिल किया है। पीपीपी की तर्ज पर भारत की जीडीपी 10.51 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और जर्मनी से भी अधिक है। प्रश्न दो, जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग का प्रमुख किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए के सुरेंद्र, ऑप्शन बी सुशील चंद्र, ऑप्शन सी ममता कपूर, ऑप्शन डी अनुज नारायण। सही जवाब है ऑप्शन बी सुशील चंद्र। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 किया जाएगा। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन किया जाएगा। प्रश्न तीन, 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? ऑप्शन ए संजीव कपूर, ऑप्शन बी के आर श्रीनिवासन, ऑप्शन सी संजीव पुरी, ऑप्शन डी आलोक पुरी। सही जवाब है ऑप्शन सी संजीव पुरी। 15वें वित्त आयोग ने संजीव पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्य पूर्व कृषि सचिव राधा सिंह, एपिडा के चेयरमैन पवन बोरथारकुर हैं। यह समिति 2021-22 से 2025-26 के लिए कृषि सुधार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव देने के लिए सुझाव देगी। प्रश्न चार, निर्यात वस्तुओं के स्रोत का जिलावार डेटा एकत्रित करने के लिए किस संगठन से प्रक्रिया शुरू की गई है? ऑप्शन ए सीमा संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, ऑप्शन सी आयकर विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्यात वस्तुओं के स्रोत का जिलावार डेटा एकत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के द्वारा देश के विभिन्न जिलों में निर्यात उत्पादों की जानकारी मिल सकेगी। इस डेटा का उपयोग कर बेहतर व प्रभावशाली नीतियां बनाई जा सकती है, इससे निर्यात को अधिक बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न पांच, संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के किस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने के लिए पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है? ऑप्शन ए दारा सिको, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी सोसनारा बेगम, ऑप्शन डी शाह सुजा। सही जवाब है ऑप्शन ए दारा सिको। दारा सिको मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के सबसे बड़े बेटे थे। सरकार ने दारा सिको की कब्र की सटीक जानकारी जुटाने के लिए ASI के निदेशक स्मारक टीजे अलोन के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम का गठन किया है। सरकार ने इस काम के लिए टीम को 3 महीने का समय दिया है। दारा सिको ने सूफीवाद से प्रभावित भगवद गीता और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। प्रश्न छह, दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में किस देश के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। चीन के पहलवान दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनके देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण भारत सरकार ने उन्हें वीजा जारी नहीं किए हैं। इस संक्रमण से अब तक 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह संक्रमण सबसे अधिक वुहान में फैला है, जहां 23 जनवरी से लोगों की आवाजाही पर रोक लगी है। कई देशों ने चीन की यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और चीन के शहरों में आने और वहां से जाने वाली उड़ानों को भी निलंबित किया गया है। प्रश्न सात, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र।
यह जनजाति कोरकू भाषा बोलती है, जिसका संबंध मुंडा भाषाई समूह से है। इसकी लिपि देवनागरी है। भारत सरकार द्वारा कोरकू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1677 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 8, आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 300 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए। प्रस्तावित इकाई विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी। ऐसी इकाई कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनी होगी। आरबीआई ने निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी देने के अधिकार के साथ ही नई अम्ब्रेला इकाई के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है। आरबीआई के अनुसार किसी भी प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को इकाई की पूंजी में 40% से अधिक निवेश की अनुमति नहीं है। प्रश्न 9, सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 20 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 19 फरवरी। भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना था। इस योजना के तहत प्रत्येक 2 वर्ष बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा किसानों को खेत में उर्वरक की उचित मात्रा डालने में आसानी होती है। इससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक के उपयोग में कमी आई है। प्रश्न 10, अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन ए अशरफ गनी, ऑप्शन बी अब्दुल गनी, ऑप्शन सी अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ऑप्शन डी मोहम्मद शकील। सही जवाब है ऑप्शन ए अशरफ गनी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दूसरी बार पद संभालेंगे। गनी दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के लिए 28 सितंबर 2019 को हुए मतदान के अंतिम नतीजे 18 फरवरी 2020 को घोषित किए, जिसमें गनी को जीत मिली। आयोग के अनुसार गनी को 50.64% और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 39.52% वोट मिले। वहीं अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग की घोषणा को नामंजूर करते हुए अपनी समांतर सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि स्वच्छ और बायोमेट्रिक वोटों के आधार पर हमारी टीम विजय है और हम अपनी जीत की घोषणा करते हैं। हम अपनी समावेशी सरकार की घोषणा करते हैं। मालूम हो कि पिछले साल मतदान के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए थे। इसे दोबारा वोटों की गिनती के कारण नतीजे घोषित करने में 5 महीने की देरी हुई। अब्दुल्ला अब्दुल्ला 2014 में गनी से पहले बार चुनाव हार गए थे। आपको हमारा करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान बना सकें, जिससे आप किसी भी एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर सकें। धन्यवाद।